है, हम सभी लोग जो हैं आपके पूरे परिवार के साथ अपने आप को बिल्कुल भी अकेला ना समझें, और जिसने भी ये कांड करवाया है, चाहे SDM हो, चाहे CEO हो, चाहे वो SP हो, चाहे CM, इनको सजा जो है दिलाने के लिए हम लोग पूरी मेहनत करेंगे, सजा मिलनी चाहिए इनको और पूरी मेहनत करेंगे। देखिए ये इसी, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, पुलिस जवाब नहीं दे रही है इस बात का कि ऊपर से फोन आया है। ऊपर वाला कौन है ये आप भी समझते हैं कि ऊपर वाला कौन है, ये कौन है ये पुलिस बताएगी, SDM बताएगा, SDM के फोन की जांच जो है ये स्पष्ट करें, ये बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ एक बच्चे को दोनों पैरों में गोली लगी है और एक इस दुनिया में नहीं रहा। ये सोचने को विवश करती है घटनाएं कि हम लोग जो है खतरे के निशान पर बैठे हुए हैं, ये कब लोग गुंडा राज है, ये कब लोग हमें निशाना बना ले, इनका कोई भरोसा नहीं है, बहुत बड़ा गुंडा राज चला रही है, बहुत बड़ा गुंडा राज है, दलितों के साथ ही ऐसा हो रहा है, हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो ये बड़ा सोचने का विषय है, और सरेआम गुंडागर्दी की जा रही है, किसी को भी मार दो, ऐसे थोड़ा ना होगा, बिल्कुल अकेला ना समझे, आपके साथ खड़े हैं, ठीक है, और कमज़ोर नहीं है हम, और सबसे बड़ी बात है देखो यूपी का तो जाटव हमारा कमज़ोर है ही नहीं, बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है, इनको उठा करके जो है वो सजा देना जानता खुद जी जी। अब हम ये देखेंगे कि ये पुलिस वालों के SDM के घर पे कितने बुलडोजर चलते हैं, अब ये देखना होगा हमें, बात यही है कि न्याय मिलना चाहिए, हम सबकी मांग है, एक जगह अड़ी हैं डटे हुए हैं, न्याय मिलना चाहिए।